कल मैं नागेश्वर मंदिर में रुका था। यहाँ पे नागेश्वर मंदिर के थोड़ा सा दूर दूर, मतलब ऊपर ही ऊपर की तरफ है नागेश्वर मंदिर, नीचे की तरफ है। चलिए अब नागेश्वर जी के दर्शन करने, बड़वाह जिला खरगोन MP। नागेश्वर मंदिर बड़वा जिला खरगोन प्राचीन मंदिर है। रेवा कुंड है यहाँ पे। यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई है। देखिए प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पे प्राचीन कितना है वो दिख रहा है। ये रेवा कुंड है। ये प्राचीन शिवलिंग है। आप देख रहे हैं नागेश्वर मंदिर बड़वा जिला खरगोन MP। गणेश जी
आपण पण फोन नंबर घ्या ते तुमचा वेळ गेला काय झालं काय नाही कसं करायचं बड़वा जिला खरगोन नागेश्वर मंदिर से हम आ गए। अब ये जो जंगल दिख रहा है आपको, ये लक्कड़कोट का जंगल है। पूरा जंगल साग के पेड़ों से भरा हुआ है और यहाँ पे जंगली जानवरों की तादाद है। ऐसा मिलिट्री ऑफिसर हमको मिले थे सुबह, तो उन्होंने बताया है। और सीधा रास्ता चवन ऋषि आश्रम के लिए गया है। और मैं बता दूं, बड़वा से चवन ऋषि आश्रम सिर्फ 12 किलोमीटर है। लोग बोलेंगे 18 है, लेकिन वो दूसरा रास्ता था, ये नया रास्ता बनाया गया है। और मिलिट्री का रास्ता है वैसे, ट्रेनिंग का। तो ये 12 किलोमीटर पूरा पड़ता है। आप अगर सुबह निकलते हो तो दोपहर तक भोजन प्रसादी वहाँ कर सकते हो। इतना छोटा ही रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे आपको। तो आप देखिए, जंगल घना जंगल है बहुत। ऐसा नहीं है कि जंगल मतलब छोटा मोटा है, घना है। यहाँ बहुत सारे पेड़। और यहाँ एक अच्छी बात है, अगर धूप होती है तो धूप नहीं लगेंगी, क्योंकि दोनों साइड से पेड़ हैं, उनकी छाया रास्ते पे आ रही है। और रास्ते पे आने की वजह से हवा भी ठंडी आ रही है, धूप भी नहीं लग रही ज़्यादा, इसलिए ठीक है। और हम दोपहर तक पहुँच ही जाएंगे। और होगा, अगर अच्छा लगा तो आगे चलेंगे, नहीं तो आज का स्टे वहीं पे होगा, चवन ऋषि आश्रम। और चवन ऋषि आश्रम बहुत अच्छा बताया जा रहा है, देखते हैं जाके कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट में ज़रूर लिखें, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नर्मदे हर। ये देखिए छाया आ रही है रोड पे, तो इससे ज़्यादा धूप नहीं लग रही, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और ये घना जंगल है, रोड के किनारे थोड़ा सा ऐसी कम पेड़ लग रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा पेड़ है। ये दोस्तों आगे एक बंदर बैठा है, दिख रहा होगा तो आपको, बंदर इधर पेड़ पे ही बैठा है एक छोटा सा। अब मुझे मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये छीन लेंगे। तो चला गया वहाँ पे, इधर एक पेड़ पे बैठा है। चलिए नर्मदे। पूरा दूर दूर तक जंगल ही जंगल है इधर। देखिए सीधा रोड जा रहा है, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं, कुछ नहीं। 10 मिनट 5 मिनट बाद एक एक गाड़ी आ रही है, वो भी मोटरसाइकिल। ये देखिए ऐसे रास्ते पर भटकाने वाले, लेकिन हमें रोड से ही जाना है सीधा। दूर दूर तक लक्कड़कोट की झाड़ी बोलते हैं इसको। अब परिक्रमा बहुत आसान हो गई है, पहले जैसी नहीं रही। मतलब रास्ते नहीं थे बिल्कुल, कुछ नहीं था, भटकने का रहता था, भटक भी सकते थे, लेकिन अब भटकने का कोई चांस नहीं है। एक तो गांव वाले लोगों ने बोर्ड लगाए जगह जगह रास्ते बताने के लिए, सब कुछ है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी एक गाड़ी गई। ये लक्कड़कोट का जंगल। देखिए दोस्तों, परिक्रमा इतनी मुश्किल रही नहीं है, तो आप चिंता मत करिए। परिक्रमा करनी है तो बस निकल पड़िए, मैया का नाम लेके निकल पड़ना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा लोगों से पूछेंगे तो लोग तो बताते रहेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परिक्रमा बहुत आसान हो गई है,
शुक्र मनाइए, आप पहले परिक्रमा नहीं कर रहे, अब करेंगे। पहले परिक्रमा करते तो बहुत मुश्किल था, और जैसे कभी कभी हमको भी ऐसा हो जाता है, मेरे को तो हो जाता है, क्योंकि अकेला रहने की वजह से मैं आश्रम छोड़ के थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, तो कभी कभी अकेला रुकना पड़ता है मंदिर में, कहीं गांव में, कहीं कुछ कहीं। तो ये अनुभव बहुत यूनिक है, कष्ट होता है लेकिन बहुत ऐसा अनुभव नहीं मिलता। ऐसा अनुभव लेने के लिए अकेले परिक्रमा कीजिए, तब आएगा अनुभव ऐसा। अकेले परिक्रमा करने से बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को, और अकेला कैसा होता है, दूसरे की बुद्धि से नहीं चल रहे होते हम, कहाँ रुकना, मन किया जहाँ रुक गए, मन किया वहाँ चले गए। परिक्रमा ऐसी होती है फ्री माइंड से, तो अकेले करिए जितना हो सके, अकेले ही करने का रूल है वैसे तो। नर्मदे हर दोस्तों, मैं आज चवन ऋषि आश्रम की तरफ जा रहा हूँ, और आज बहुत आनंद आ रहा है। लक्कड़कोट की झाड़ी के बारे में बहुत सुना था, लक्कड़कोट की झाड़ी में अब आ गए हैं और चल रहा हूँ मैं। घनदाट जंगल है और रोड है पूरा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, रोड है अच्छा है, घनदाट जंगल है, बताया गया वन्य प्राणी भी हैं, देखते हैं। ये आप देख रहे हैं लक्कड़कोट का जंगल, सौ किलोमीटर का जंगल है, और आगे बहुत सारे बंदर बैठे हुए, देखिए जाने देते हैं कि नहीं देते, आपको दिख रहे हैं क्या, रास्ते पे ही बैठे हैं वो लोग होंगे, देखिए रास्ते पे ही बैठे हैं सब लोग, बहुत संभल के जाना पड़ेगा मुझे। पूरा रास्ता कैप्चर करके रखा हुआ है उन लोगों ने, चलिए मोबाइल रखता हूँ नहीं तो मोबाइल छीन लेंगे, आवाज करने लग गई। बंदरों ने जाने दिया, और अब ये मस्त रास्ते पे आए हैं, देखिए ठंडी ठंडी हवा, तो छाओ। अब चवन आश्रम इस साइड इसकी तरफ राइट साइड लगेगा, और चवन आश्रम वही है जो चवन ऋषि जी थे, चवन प्राश का जिन्होंने इजाद किया था, वही चवन ऋषि है, उन्हीं का आश्रम है। लक्कड़कोट का जंगल आप देख रहे हैं, घना जंगल है बहुत, लेकिन रास्ता अच्छा होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ियां भी आती जाती रहती है। यहाँ पे छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग चवन ऋषि आश्रम, बोर्ड छोटा है, आप यहाँ से आइए तो ये छोटा सा पुल है, उसके बाद ही डायरेक्ट है रास्ता गया है, देखिए झंडी पे लगाई है यहाँ पे, और ये कच्चा रास्ता है। ये घना जंगल है पूरा, चवन ऋषि आश्रम का रास्ता, नर्मदा परिक्रमा में आपको देखने को मिलेगा जंगल, नदी और बहुत सारे गांव। और ये है बड़वा तहसील, जिला खरगोन,
और एमपी मध्य प्रदेश में चमन ऋषि आश्रम लकड़कोट की जंगल में। चमन ऋषि आश्रम का रास्ता और बीच में ही एक सुंदर सी झरना झरना दिखा है, उस तरफ जाते हैं। यहाँ पे पानी सूख गया है, देखिए, और झरने में मछलियां हैं छोटी छोटी। आगे की तरफ गया है ये, पानी बिल्कुल साफ है। और यहाँ पे पानी में कोई मिलावट नहीं होती, इसलिए ये डायरेक्ट पिया जा सकता है पानी, इतना साफ है ये पानी, क्योंकि ये शहर से दूर है जंगल में। और ये बहुत नीचे तक है, लेकिन इधर ना दिख नहीं रहा बिल्कुल, मतलब सब कुछ दिख रहा है। नीचे के पत्थर दिख रहे हैं सब, ये बोल रहा हूं। आगे की तरफ गया ये झरना, और कितना सुंदर नजारा है देखिए, ठंडा ठंडा सब। चमन ऋषि आश्रम जरूर आइए, इसको स्किप मत करिए, क्योंकि शूलगांव का रास्ता है एक, वहां से लोग चले जा सकते हैं। शूलगांव के रास्ते से 6-7 किलोमीटर कम पड़ेगा परिक्रमा, लेकिन यहाँ जरूर आइए, ये ऐसा नज़ारा यहीं पे देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, सुंदर नज़ारा ये देखिए। चलिए चमन ऋषि आश्रम